आपका अपना YouTube चैनल मैकेनिकल्स लवर्स में स्वागत है। आज आपका पाठ है समर्ज आर्क वेल्डिंग, SAW, जिसे बोलते हैं समर्ज आर्क वेल्डिंग, जो पूरा सिमिलर होता है किसके जैसा, मिग वेल्डिंग की तरह। जितना भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं सब कुछ सिमिलर होता है मिग वेल्डिंग जैसा, सिर्फ इसमें क्या एक्स्ट्रा यूज करते हैं, फ्लक्स। CaO और CaF2 का जो फ्लक्स होता है वो, बाकी सारा इक्विपमेंट सेम है। और मेनली यही इंपॉर्टेंट होता है समर्ज आर्क वेल्डिंग में, जो आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि समर्ज आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाई फ्लोराइड, दो होता है, ठीक है। अब सारा प्रोसेस और इक्विपमेंट हम आपको बताते हैं। जैसा अभी आपको हम बताएं कि सारा प्रोसेस मिग वेल्डिंग जैसा होता है, तो देखिए ये क्या है आपका, एक वर्कपीस है, ये क्या है आपका फीड रोड है, इसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड है जो क्या है, कंज्यूमेबल है, याद रखिएगा, वायर इलेक्ट्रोड है जो क्या है, कंज्यूमेबल है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार आ चुका है कि कंज्यूमेबल है लेकिन क्या है, विदाउट कोटिंग, इसमें हम कोटिंग नहीं करते हैं। मेनली मिग वेल्डिंग में हम कोटिंग क्यों करते थे, क्योंकि वो स्लेग का फॉर्मेशन हो जाए और एटमोस्फेरिक रिएक्शन से हमें बचाए। इसमें अगर विदाउट हम कोटिंग नहीं कर रहे हैं तो एटमोस्फेरिक रिएक्शन से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये फ्लक्स यूज करते हैं, फ्लक्स CO या CF2, जो एक स्लेग का फॉर्मेशन करवाता है और हमें एटमोस्फेरिक रिएक्शन से बचाता है, ठीक है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है ये अभी आपको हम बताते हैं, ठीक है। ये है आपका सर्वर मैकेनिज्म, सर्वर मैकेनिज्म फीड रोड कनेक्ट है वायर के रूप में, उसके बाद डायरेक्ट ये इलेक्ट्रोड वर्कपीस से है, ठीक है। यहाँ पे आपका फीड रोलर है, जो कितना डेप्थ में हम वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में कितना डिस्टेंस रखेंगे वो किस पे डिफाइन होगा, फीड रोलर डिफाइन करेगा। और सर्वर मैकेनिज्म का मेनली आपका काम क्या है, पुल करना, ठीक है, खींचना, किसी भी चीज को खींचने में काम आता है, ठीक है। ये हो गया आपका सर्वर मैकेनिज्म। देखिए लिखा हुआ है प्रोवाइड फीड रेट, इसे क्या बोलते हैं, वायर रील, इसे बोलते हैं फीड रोलर। देखिए यहाँ फ्लक्स हम यहां से डाल रहे हैं जो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाई फ्लोराइड, ठीक है। ये जो फ्लक्स है वो किसके फॉर्म में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ग्रेनुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसे हम सॉलिड फ्लक्स भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, किसके फॉर्म में होता है, ग्रेनुलर फॉर्म। ग्रेनुलर का मतलब क्या है, दानेदार फॉर्म, दानेदार का मतलब क्या है, जैसे छोटा छोटा ड्रॉपलेट, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट में होता है, ठीक है। मेनली इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, पावर सप्लाई है, जब भी पावर सप्लाई से हाई अमाउंट ऑफ करंट पास होता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रोड से जब करंट पास होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। देखिए कंज्यूमेबल है तो ये मेल्ट होगा, उसी के साथ हम फ्लक्स, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाई फ्लोराइड को जब हम पास करवाते हैं किसके फॉर्म में, ग्रेनुलर फॉर्म में, तो क्या होता है, एक डॉट 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 के रूप में ये फॉल होता है और यहाँ से ये गिरने लगेगा और क्या करेगा, एक गिर गिर के एक स्लेग का फॉर्मेशन कर देगा। स्लेग मतलब क्या है, स्लेग मतलब एक ऐसा फॉर्मेशन कर देगा जो आपका एटमोस्फेयर रिएक्शन से हमें बचाएगा। लेकिन इसका प्रॉफिट ये होता है कि ये आग जो बनता है वो क्लियरली उसको दिखाई हम लोग को दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं आपको धुआं है, आप वेल्ड करें तो ऑब्वियसली बात है काला धुआं दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आपका धुआं सफेद है मतलब ट्रांसपेरेंट है तो इजीली दिखाई देगा। देखिए आर्क इज समर्ज इन ए वेल पूल, ठीक है, आर्क नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है, ये आप समझ गए, ठीक है। तो मिग में दिखाई पड़ता है और इसमें आर्क नहीं दिखाई पड़ता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम कुछ इसका प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक है, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है वो हम समझते हैं। ये देखिए पहला क्या है, हाई डिपोजिशन रेट, पहला क्या है हाई डिपोजिशन रेट। जैसे अभी आपको हम बताएं कि ये क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोड है और ये कैसा इलेक्ट्रोड है, कंज्यूमेबल,
कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल है तो क्या होगा, हाई डिपोजिशन रेट होगा। और हाई डिपोजिशन रेट ऐसा क्या मतलब है, थिकनेस क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जितना भी आपको हम प्रोसेस बताया सारे प्रोसेस में याद रखिएगा, अगर डिपोजिशन रेट हाई है तो वर्कपीस हमें थिकनेस का ज्यादा लगेगा, और उसका वेल्ड स्पीड क्या होगा, ऑब्वियसली हाई होगा। क्लीन प्रोसेस होता है, नो वेल्ड स्पेट इज फॉर्म ड्यू टू फ्लक्स ग्रेनुलर फॉर्म। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब स्पेटर का मतलब आपको बताए थे हम, स्पेटर का मतलब आपको बताए थे जैसे ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये वर्कपीस है। जनरली क्या होता है, अगर आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ अगर छोटा है तो आपका आर्क इस टाइप से बनेगा और वेल्ड इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको हम ऐसे प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बताए थे क्या होता है, ये स्प्रे हो जाता है, ब्लो हो जाता है, जिसे हम नाम दिए थे, याद हो, आप याद होगा आपको, आर्क ब्लो, इसको हम नाम दिए थे आर्क ब्लो। इससे क्या होता है, आर्क ब्लो के कारण ये डिफ्लेक्शन हो जाता है और अदर पार्ट पे वेल्ड होने लगता है, ठीक है। इस वेल्ड को हटाने के लिए आपको हम बताए थे क्या यूज करेंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर लेंगे, ठीक है। ये सारा पार्ट आपको हम पहले हम बता चुके हैं, बस अभी रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं स्पेटर, हीट कंसंट्रेशन मोर होगा, ठीक है, नो हीट लॉस होगा, ठीक है। अब देखिए अगर स्पेटर नहीं हो रहा है, स्पेटर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सारा हीट कॉन्सेंट्रेशन किस पॉइंट पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, इसका मतलब हीट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर हीट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या लॉस नहीं होगा, ठीक है। और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन किस में क्या होगा, मोर होगा, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। नो स्प्लैशिंग ऑफ मोल्टन मेटल, ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशन का, कि कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, शिप वेल्डिंग, फैब्रिकेशन ऑफ वेसल एंड एलपीजी सिलेंडर। ये पॉइंट याद रखिएगा कि फैब्रिकेशन मतलब क्या होता है, फैब्रिकेशन मतलब होता है बनाना, किसी चीज को हम ढांचा बनाते हैं, जैसे कार का लकड़ी से काट बनाते हैं, किसी चीज को ढांचा बनाना उसको बोलते हैं फैब्रिकेशन, मतलब उसको बनाना, आकार देना, क्या बोलेंगे, आकार देना, आकार देना, आकार देना, ठीक है। तो प्रेशर वेसल एंड एलपीजी सिलेंडर में यूज करते हैं, और हाईली जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं फैब्रिकेशन का वहां भी यूज करते हैं, और शिपिंग वेल्डिंग जहां होता है वहां भी हम यूज करते हैं। नाउ अगला पार्ट है आपका शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे हम SMAW बोलते हैं, ठीक है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जैसा नाम वैसा काम। क्या होता है, एक मेटल होगा जिसको आर्क के थ्रू हम वेल्ड करेंगे, और वो क्या होगा, शील्डेड भी होगा। ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर वेल्डिंग बिकॉज लेस इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड, इट इज इजिली पोर्टेबल। इसका मतलब क्या है, जनरली आप देखते हैं कोई भी वेल्डिंग का स्टोर में चल जाइए, जहां मान लीजिए छोटा मोटा कहीं दरवाजा टूटा हुआ है, कहीं गेट, कहीं छोटा मोटा गाड़ी में फ्रैक्चर हो गया है, तो उस जगह मतलब हम जहां आसानी से लेके जा सकते हैं, ठीक है, उस टाइप का, जैसे आपका पिछली पहले आपको हम डायग्राम दिखाते हैं तब इजिली समझिएगा, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, देखिए इक्विपमेंट क्या क्या है, वर्कपीस जहां हमको वेल्ड करना होगा, ये क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड है जिसमें कोटिंग किया हुआ है, और ये आपका पावर सप्लाई। तो मेनली हमें क्या क्या लेके जाना है, एक इलेक्ट्रोड होल्डर लेके जाना है और मेटल आर्क लेके जाना है, बस हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैनुअली बोलते हैं, मतलब कहीं भी हम पोर्टेबल करवा सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब कहाँ क्या है, पोर्टेबल का मतलब है कहीं उठा के एक दूसरे से आसानी से हम कहीं ट्रेवल करवा सकते हैं, बैग में उठाए और चल दिए, और जहां जरूरत है वहां पर हम कर दिए। तो क्या करना होता है, वर्कपीस है, मेटल इलेक्ट्रोड है जिसमें क्या है, फ्लक्स कोटेड होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड होल्डर है जो मेनली किस काम आता है, इस इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए, क्योंकि इस करंट पास होगा, और इस मेटल होल्डर से एक पावर सप्लाई कनेक्ट होगा जो वर्कपीस से कनेक्ट होगा, ठीक है। सारा प्रोसेस सेम है, पावर सप्लाई है, वोल्टेज इंक्रीज होगा, करंट पास होगा, अगर करंट पास होगा तो हम जानते हैं अगर करंट पास होगा तो क्या होगा, मेटल मेल्ट होगा,
मेटल मेल्ट होगा, ठीक है, क्यों? ड्यू टू हीट। सारा प्रोसेस वही है जो आपको हम पहले हम बता चुके हैं हीट के कारण, ठीक है। सबसे पहले, इसी पहले भी आपको बता चुके हैं, पहले मेटल मेल्ट होगा, उसके बाद फ्लक्स कोटेड वेल्ड होता है, और वो क्या बनाएगा, एक स्लेग का फॉर्मेशन होगा जो एटमोस्फेरिक रिएक्शन से हमें बचाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो नोन एज मैनुअल आर्क वेल्डिंग, जैसे आपको हम बताया इसे मैनुअल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, क्यों? आसानी से कोई भी अपना हाथ से इजिली कर सकता है। मैनुअल आर्क वेल्डिंग बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए इस पे ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं और ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन फिर भी आपको एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज इसका बता देते हैं। एडवांटेज क्या होता है, सिंपल प्रोसेस है, ऑब्वियसली बात है, इक्विपमेंट ज्यादा नहीं होगा, सिंपल प्रोसेस है, बस इलेक्ट्रोड लगाना है। बस क्या करना है, एक इलेक्ट्रोड लगाना है, यहाँ से एक होल्डर लगाना है, पावर सप्लाई कनेक्शन करना है, वर्क पीस से कनेक्ट करवाए, बस हो गया। तो इजली प्रोसेस होता है, लेस इक्विपमेंट होता है, लो कॉस्ट, अपोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मतलब कहीं एक जगह से हम दूसरे जगह आसानी से लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेज का बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट फॉर हैवी वर्क, जैसे आपको हम बताए थे कोई लार्ज बड़ा इंडस्ट्री, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री वहां यूज नहीं करते हैं, स्मॉल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड इज हाई, बस इसमें यही प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है, इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल है तो इसका यूज ज्यादा होता है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोड इज कंज्यूमेबल। अब कुछ एप्लीकेशन बता देते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। जहां देख लीजिए, एक एप्लीकेशन है स्टील स्ट्रक्चर और स्मॉल फैब्रिकेशन। जहां स्मॉल फैब्रिकेशन होगा, जहां स्मॉल आकार जहां देना हो, ठीक है, वहां हम यूज करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में। जैसे मेनली आपको बोल सकते हैं होम अप्लायंस। होम अप्लायंस का मतलब क्या है, घर घरेलू काम में यूज हो गया, ठीक है, उस टाइप का जहां यूज होगा उस जगह पे हम मैनुअल आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं। नाउ अब आपको हम कुछ ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, ठीक है। मेनली ये ऑब्जेक्टिव मिग वेल्डिंग से रिलेटेड है और आर्क वेल्डिंग डीसी रिवर्स से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, इन मेटल आर्क वेल्डिंग फॉर हाई रेट ऑफ करेंट मेटल ट्रांसफर टू वर्क पीस इज इन द फॉर्म ऑफ, पहला है मॉलिकुलर मोमेंट, फायर स्प्रे, मोल्टेन ड्रॉप, इवापोरेशन। चलिए क्वेश्चन कीजिए, 2 सेकंड देते हैं। चलिए अब आपको देख, सबसे पहले क्वेश्चन पे नोटिस कीजिए क्या है, मेटल इनर्ट गैस, मतलब इनर्ट गैस होगा उसमें क्या है, मेटल है, MIG। दूसरा, फॉर हाई रेट ऑफ करेंट, क्या है, हाई रेट ऑफ करेंट है। देखिए सॉल्यूशन है, हाँ आपको समझाते हैं। जैसे आपको MIG में बताए थे, आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, अगर हम करंट का अमाउंट को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फायर स्प्रे अकर होता है, और करंट को हम डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, होता है मोल्टेन ड्रॉप्स होता है। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड। जैसे आपको हम एग्जाम्पल बताए थे, एक नल का एग्जाम्पल बताए थे, आपको ध्यान होगा, तो ये नल है, ठीक है, एक नल है, नल में क्या होता है, अगर स्पीड ज्यादा होता है तो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, फायर स्प्रे मतलब एक साथ निकलता है। अगर यही मान लीजिए कि स्पीड क्या हो, लो हो, तो किस तरह निकलेगा, ड्रॉप 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 से मोल्टन ड्रॉप टाइप में निकलता है, ठीक है। चलिए अब आप करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पे आप बस दिमाग लगाइएगा। पहला है, इन आर्क वेल्डिंग डीसी रिवर्स पोलैरिटी बियर ग्रेटर एडवांटेज इन फ्लैट वेल्डिंग फॉर लैप ज्वाइंट, दूसरा है ओवर हेड ज्वाइंट, तीसरा है फ्लैट वेल्डिंग फॉर बट ज्वाइंट, चौथा है एज वेल्डिंग। चलिए कीजिए, मानते हैं ठीक लगा हुआ है, लेकिन आप उस पर फोकस मत कीजिए, आपको समझाना है कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब आपको हम बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग है और डायरेक्ट करेंट रिवर्स पोलैरिटी है, इस पर यही फोकस करना है, डायरेक्ट करेंट रिवर्स पोलैरिटी इसी फोकस करना है। जैसे हम आपको, आप सॉल्यूशन बताते हैं, देखिएगा, डायरेक्ट
करंट रिवर्स पोलैरिटी का आप लेक्चर देख सकते हैं, उसमें क्या होता है। डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी को हम एक नाम से और बोलते हैं, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि वर्क पीस किससे कनेक्ट होगा, कैथोड से। अगर कैथोड से कनेक्ट होगा तो लेस हीट करेगा, लेस हीट कंसंट्रेशन किस में होगा, ठीक है, तो लेस पेनिट्रेट होगा। हैंस ओवरहेड के केस में सारा होगा और अपने सर के ऊपर तक के वेल्ड करना है। इसका मतलब ये हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपका अगर वर्क पीस, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका क्या है, वर्क पीस है। जैसे मान लीजिए आप कहीं घर में और अपने सर के ऊपर से, मान लीजिए कि आप ये है आदमी है, ये आप आदमी है, आपको वेल्ड करना है अपने सर के लेवल से ऊपर तक का किसी को वेल्ड करना है। 30% क्या होगा, आप हाथ उठाइएगा और इस पे वेल्ड कीजिएगा। लेकिन अगर आपका वेल्ड मोल्टेन मेटल का लिक्विड ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो ये वेल्डिंग गिर भी सकता है और गिरेगा तो आपको पड़ भी सकता है। तो सबसे ज्यादा ग्रेटर एडवांटेज किसमें होता है, ओवरहेड ज्वाइंट में, ठीक है। इसलिए तो ये हो गया आपका ओवरहेड ज्वाइंट।